ग्वालियर जिले में बाइक सवार बदमाशों ने एक सरपंच पति की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। जैसे ही इसकी जानकारी सरपंच पति के परिजनों को हुई तो उन्होंने आरोपियों के घरों में आग लगा दी। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग हुई। पुलिस का कहना है कि गांव में फिलहाल शांति है और एहतियात के तौर पर पुलिस तैनात है। बोल रहे थे कि ग्वालियर में उसका मर्डर किया है, 10-12 गोली दी है। किसने मारा है? बहुत सारे लोग हैं जो पुरानी लोग पहले मारा उसी ने, उन्होंने लोगों ने, और रामनिवास रावत मारा था पहले, और पूरी षड्यंत्र उसी का फिर से मुकेश का है। पहले भी बख्श दिया था, उस पर भी आरोप लगे, उसकी भी इनामी गुस्तु हुआ था वो भी, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कुछ नहीं कर पाए उसके बारे में। जी तुम देखो तो नहीं मार दिया उसको ग्वालियर में, हम तो भाई कितनी जुताई करते हुए खबर पड़ी है। तब आए मुकेश रावत है, मैंने लड़ी वाला ट्रोली नहीं निकलने घेर जिगेन से ट्रोली जा रही हमारी ड्राइवर में जूती देते फिर बनेरी गांव के सरपंच विक्रम सिंह का आज ग्वालियर में कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, तो उस बात से उनके परिजनों द्वारा आक्रोशित होकर यहाँ पर आगजनी घटना की जानकारी मिली थी, तो उस पर से पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। एसपी सर और सभी एडीएम सब वगैरह सभी लोग हैं गांव में, स्थिति कंट्रोल में।